किसी की नीयत अच्छी हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसा ही काम किया है। उन्होंने ना सिर्फ पटना में सुशांत सिंह राजपूत के लिए एफआईआर दर्ज करवाई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, बल्कि बिहार पुलिस को मुंबई में भी भेजा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और फ्री हैंड दिया बिहार पुलिस को। इसके बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात हुई, जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। क्या बातचीत हुई सुब्रमण्यम स्वामी की और नीतीश कुमार की, ये आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने वो बात कह दी है जो सुशांत के फैंस पिछले कई दिनों से सुनना चाह रहे थे। सुनिए। मैंने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से फोन पर बात की, मैंने पटना पुलिस की भी तारीफ की है। नीतीश कुमार ने जो पटना पुलिस को जांच में फ्री हैंड दिया है, मैंने उसकी जमकर तारीफ की और जो एफआईआर की गई है, मैंने उसके लिए शुक्रिया अदा किया। जैसा कि इस मामले में दो पहलू नजर आ रहे हैं, मैं सीबीआई जांच के लिए मांग करता हूं। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वो चाहते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिले और दोषियों को सजा मिले। यानी नीतीश कुमार का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी हो तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी साफ है, एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही मना कर दिया था, उनके होम मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया था कि हमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं करनी है, हमारी महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस काबिल है कि वो इस केस को निपटा लेगी। लेकिन वहीं सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए तो हम इसके ऑर्डर जरूर दे सकते हैं। यानी महाराष्ट्र से भले ही ये ऑर्डर ना जाए सीबीआई इंक्वायरी के, लेकिन ये ऑर्डर शायद अब बिहार से जा सकते हैं, जो कि सुशांत के फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, राहत की बात है कि कम से कम शायद अब बिहार की तरफ से बिहार के लाल सुशांत को इंसाफ मिलेगा। फ्रेंड्स, क्या कहना चाहेंगे आप नीतीश कुमार के लिए, महाराष्ट्र के लिए, सुशांत के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।